अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, मूर्ति। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने, मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूँ।
सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने, मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए।
बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं, तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। यूँ तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है। यूँ तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। कभी यूं भी आ मेरी आँखों में कि मेरी नजर को खबर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। मुझे एक शब तो नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। मुझे एक शब तो नवाज दे। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। यूँ तो दुनिया में है लाखों हंसी,
क्या करूं मुझे प्यार तुम्हीं से है। यूं तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूं मुझे प्यार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। कभी यूं भी आ मेरी आँखों में कि मेरी नजर को खबर ना हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। मुझे एक शब तो नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। मुझे एक शब तो नवाज दे, फिर उसके बाद सहर ना हो। यूं तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूं मुझे प्यार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी दोस्ती मेरी रोशनी है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी दोस्ती मेरी रोशनी है। आ मेरे बाद भी ये दिया जलता रहे, कभी बेचराग ये घर ना हो। मेरे बाद भी ये दिया जलता रहे, कभी बेचराग ये घर ना हो। यूं तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूं मुझे प्यार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। तू बड़ा रहीम ओ करीम है, मुझे ये भी सिफत अता कर। तू बड़ा रहीम ओ करीम है, मुझे ये भी सिफत अता कर। तुझे भूल न भी जो चाहूँ मैं, तो मेरी दुआ में असर ना हो। तुझे भूल न भी जो चाहूँ मैं, तो मेरी दुआ में असर ना हो। यूं तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूं मुझे प्यार तुम्हीं से है। मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है। कभी दिन की धूप में झूम कर, कभी शव के तारों को चूम कर। कभी दिन की धूप में झूम कर, कभी शव के तारों को चूम कर। मेरे साथ साथ चलते चलो,
कभी ख़त्म ये अपना सफ़र ना हो, मेरे साथ साथ चलते चलो। कभी ख़त्म ये अपना सफ़र ना हो, यूँ तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है, मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है, मुझे चैन करार तुम्हीं से है, जिंदगी की बहार तुम्हीं से है, यूँ तो दुनिया में है लाखों हंसी, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है, क्या करूँ मुझे प्यार तुम्हीं से है।
नहीं, ये तो हमारे महर्षियों ने बताया कि मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि कम से कम मुस्तमुतियास सुबह शाम संध्या बनना आवश्यक। चाहे आप गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं, हर व्यक्ति का, प्राणी मात्र का कम से कम ये फर्ज है आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायकाल पूजन अवश्य करें। पूजन ध्यान और तो करना ही, इसके अलावा जो 23 घंटे आपके पास हैं दुनिया के काम के, उसमें से एक भी सेकंड आपका नहीं लिया है। और 8 घंटे आपके अपने बन गए, इसके बाद इस सेवक ने 2 अभ्यास के ऊपर जोर दिया। हर मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने में आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि में लगाता है। ये समय हर एक के पास खाली है, कोई दूसरा काम नहीं किया जाता है। और अगर देखा जाए तो संसार की अधिकतर जो कश्मकश है वो इस पेट के लिए, भोजन के लिए है। शायद अगर इंसान के पेट ना होता तो दुनिया की शक्ल कुछ और होती। जब भोजन आपके सामने आए, प्रभु के अर्पण कीजिए, हर ग्रास उसकी याद में खाइए, हर चीज उसकी याद में पीजिए। इसके जो फायदे हैं वो कल इस सेवक ने बतलाए थे, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे होंगे, आपको ईश्वर की याद का आनंद आ रहा होगा। आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि आपका पूजन का बन गया। ध्यान को ही हम पूजन कहते हैं, उसकी याद को ही हम पूजन कहते हैं प्रभु की। और हर मनुष्य सोता है, कितनी बिजी लाइफ के ना हो, हर व्यक्ति सोता है। और सोने में ऑन एवरेज हम लगा सकते हैं कि 6 घंटे शायद हम लगाते हैं सोने में, कोई 4 सोता है, कोई 8 सोता है। एवरेज लिया जाए तो 6 घंटे का एवरेज आ जाए। 6 घंटे हर व्यक्ति सोने में लगाता है। ये समय ऐसा है कि जो खाली है इसका भी सच्चा उपयोग किया जा सकता है। संतों ने इसका बहुत सुंदर उपयोग बतलाया। सोने से पहले दुनिया की जब सब काम समाप्त हो जाए, आप और आपका बिछौना है, अपने बिछौने पर बैठिए, कहीं अलग आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने बिछौने पर ही बैठिए और बैठ के 2 काम कीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण, कितने ऐसे काम आज आपसे बने कि जिनसे दूसरे प्राणियों की आत्मा को शांति और सुख पहुंचा। अगर कोई ऐसा काम बना है, भगवान कहते प्रभु आपने अवसर दिया जो ऐसा शुभ कार्य बन पाया, वरना इस सेवक में कहां सामर्थ्य है किससे कुछ बन पाए। भगवान कहता है फिर विचार कीजिए कि आपके में कोई कमी तो नहीं, किसी बाहर से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपने आप को आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो, अपने आत्मा से पूछिए। अगर कुछ कमी नजर आती है, नहीं आती तो बड़ी अच्छी बात है, गुड। अगर कमी नजर आती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है,
दगाबाजी है, कोई ऐसी बात है आपने? और आपकी आत्मा कहती है, किसी और से पूछने वाली आवश्यकता है, अगर आपकी आत्मा कहती है कुछ कमी है, उस पर पश्चाताप करना बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी। और पश्चाताप करने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि उन बातों में जो आप में कमी नजर आती हैं, सबसे छोटी बात पर करिए, बड़ी बड़ी नहीं। अगर बड़ी बड़ी पकड़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कोई छोटी बात जो यूं ही हो जाती है, बहुत से लोग हैं हंसी मजाक में झूठ बोल जाते हैं, थोड़ी हा हू हो जाती है, लेकिन झूठ तो झूठ है ही, फायदा कुछ नहीं, खामा खा नुकसान में जाते हैं। तो ऐसी इसलिए बड़ी छोटी सी मिसाल आपके सामने ली, बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़िए। पहले परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि कल से ये छोटा खोटा काम नहीं होगा, शक्ति मांगिए प्रभु से, वायदा कीजिए, और अगले रोज से उस छोटी बात को छोड़ दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े दुश्मन जो आपको नजर आते हैं, जिनके विचार, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि शायद उन पर काबू ना हो सके, वो भी धीरे धीरे काबू में होते नजर आएंगे। शर्त ये है कि जिस बात का वायदा आप परमात्मा से करें उसको पूरा करें, पूरा करें। अगर इसके विपरीत करेंगे, वायदा करके पूरा नहीं करेंगे, तो आपकी विल पावर घट जाएगी, और फिर कभी आपके हृदय में ऐसी शक्ति भी पैदा नहीं हो पाएगी कि आप कोई वादा कर सकते। इसलिए घटान में नहीं जाना, अगर वायदा पूरा नहीं कर सकते तो कोई वायदा मत करिए, उसका कोई नुकसान, लेकिन जब वायदा करते हैं तो उसे जरूर पूरा करिए। ईश्वर से वायदा किया जाता है, उसे जरूर पूरा कीजिए। उसके बाद जब इसके बाद आप सोइए, सोने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट भगवान को दीजिए, प्रभु की गहरी याद की, और जब याद अच्छी बन जाए, जब ध्यान अच्छा बन जाए, उसी ध्यान में सो जाए। यह अभ्यास अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके विशेष लाभ आपको होंगे कि जिन्हें उटांग पटांग सपने नजर आते हैं बंद हो जाए। इस अभ्यास के बाद धीरे धीरे आपकी नींद अच्छी आने लगेगी, फिर ये अभ्यास और बढ़ेगा, फिर आपके स्वप्न बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर स्वप्न आने लगेंगे। स्वप्न आप देखेंगे गंगा जी का स्नान, अपने इष्ट देव के दर्शन, मंदिर के दर्शन, सपने में ही ध्यानावस्थित है, ध्यान में बैठे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया अपने गुरुदेव के दर्शन, ऐसे सुंदर सुंदर सपने आने लगते हैं। जब ऐसे सुंदर सपने आने लगते हैं तो साधक की हिम्मत और बढ़ जाती है, साहस और बढ़ जाता है, और वो गहरा ध्यान करके सोता है, फिर धीरे धीरे ये सपने रियलिटी में उदल जाते। अभी सपने देख रहे थे, अनंत सूर्यों का प्रकाश ही प्रकाश है, सारा प्रकाश से सब कुछ भरा है, शरीर में बिजली दौड़ गई सोते सोते। फिर साधक जिस ध्यान में सोता है, रात भर उसी ध्यान में पड़ा रहता है, सुबह उठता है तो उसका ध्यान और अच्छा लगा हुआ होता है। अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते करते सोया, जब सुबह उठेगा तो उसका आज्ञा चक्र और तेजी से चलता होगा, या उसका ध्यान शहदल कंबल पर होगा। आत्मा ये कहेगी कि रात भर पूजा होती रही और शरीर सुस्त आ गया। ये अभ्यास है, 6 घंटे जो सोने के वो आपके अपने पूजा के बन गए।
और आपके काम का एक भी सेकंड नहीं जाएगा, नॉट ए सिंगल सेकंड। भगवान कृष्ण ने साधक के लिए चार बातें विशेष गीता में बताई, जो निचोड़ है गीता का साधक के लिए, साधक की दृष्टि। पहला आहार की शुद्धि, जो कल सेवक ने बताई है, कैसे हम आहार करें कि जो हमारी आहार की शुद्धि हो जाए, परमात्मा को अर्पण करके कीजिए कि क्या विशेष लाभ है, मैंने बहुत बता दीजिए। विहार की शुद्धि, जो मैंने विहार के सामने रखा, गीता में भगवान कृष्ण ने बताया आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, इन संतों ने बताया कि कैसे होगी, हाउ टू अचीव इट, प्रैक्टिकल मार्ग बताया, प्रैक्टिकल तरीका बताया कि अगर आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस तरीके दूसरा स्टेप लूंगा, दूसरी सीढ़ी लूंगा, तो जैसा मैंने कल बताया था कि हमारा आदर्श है जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना इसी जीवन में, और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हुए प्राणी में दो विशेष बातें पैदा हो जाती। पहला, 24 घंटे निरंतर उसे प्रभु की याद बनी रहती है, उसका अगुण उसकी आगाही बनी रहती है, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते उसे ईश्वर की निरंतर याद बनी रहती है। दूसरा, अहम निकल जाता है, आई का कंप्लीट एलिमिनेशन, मैं नहीं रहती, सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाती, ये दो विशेष बातें पैदा होती। और हमारे सदगुरुओं ने बहुत प्रैक्टिकल रास्ता तरीका बताया इसको प्राप्त करने का, अचीव करने का। 8 घंटे हमने अपने बनाए, सारे साधन को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। साधन की पहली सीढ़ी पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे 24 मिनट, साधन की दूसरी सीढ़ी पूरा कर लेने पर 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, और साधन की तीसरी सीढ़ी सफलता प्राप्त करने पर 24 घंटे आपके अपने होंगे, और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मैं दूसरा स्टेप लूंगा, दूसरा स्टेप 16 घंटे हमें अपने बनाने हैं, और हम सब गृहस्थी हैं,